मंदिरों के शहर जम्मू में विराजे तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुले। मंदिरों के शहर जम्मू में बने प्रदेश के पहले तिरुपति बालाजी के मंदिर के कपाट गुरुवार को भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जी कृष्ण रेड्डी, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर शर्मा व अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तिरुपति बालाजी मंदिर जम्मू में पहले दिन ही लगी भक्तों की भीड़। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने के लिए जम्मू सहित बाहरी राज्यों से पहुंचे लोग। बताते चले कि आज सुबह ही मंदिर का उद्घाटन हुआ था और मंदिर को लोगों के लिए आज खोल दिया गया। अगर प्रशासन ने जल्दी हमारी मांगे नहीं मानी तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, बोले ऑल जेएंड के पंचायत कॉन्फ्रेंस। आज एक पत्रकार वार्ता करते हुए किया गया प्रशासन को चेताने का प्रयास। ऑल ओलंपिक मेडल के लिए जम्मू से होगी चढ़ाई। एमए स्टेडियम में बन रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्लाइंबिंग वॉल। एमए स्टेडियम जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहली क्लाइंबिंग वॉल का निर्माण किया जा रहा है। इससे जहां क्लाइंबिंग से जुड़े खिलाड़ियों को फायदा होगा, वहीं ओलंपिक के लिए खिलाड़ी भी निकलेंगे। अमरनाथ यात्रा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत, मुख्य सचिव बोले बेहतर सुविधाएं देंगे। मुख्य सचिव ने यात्रा के सुचारू संचालन से संबंधित सिविल कार्यों के बारे में सभी संबंधित विभागों और उपयुक्तों के साथ समीक्षा की। उन्होंने उस पर अपने जिले के आवास, पानी, बिजली की व्यवस्था और बैकअप योजना की जानकारी ली। अग्नि प्राइम का परीक्षण हुआ सफल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के डीआरडीओ और सशस्त्र बलों को दी बधाई। अधिकारियों ने बताया कि 3 सफल परीक्षण के बाद अग्नि प्राइम को सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने से पहले इसका पहला राति परीक्षण था। ईडी दफ्तर पहुंची टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी की पत्नी। कोयला घोटाले मामले में पूछताछ जारी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चीन पर तंज कसते हुए बोले जयशंकर, भारत किसी के बहकावे में नहीं आता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के 9 साल पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने गुरुवार को कहा कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमें एक विकास भागीदार के रूप में देखता है।